हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हर में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल का। पास में जो बेल आइकन है उसका दबाना मत भूलिए फॉर द लेटेस्ट ऑफ द लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बैंक की जॉब के लिए। तो बहुत सारे बैंक जो कि रिक्रूटमेंट निकला हुआ है बहुत सारे बैंक से, तो इस तरह से यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक रिक्रूटमेंट, बहुत सारे जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो मैं दोस्तों यहाँ पे वन बाय वन जो जो रिक्रूटमेंट निकला है उसके बारे में बात करूँगा। उसके साथ साथ आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उसका जो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या एलिजिबल कर सकते हैं, कौन कौन लोग, उसका जो डिटेल्स है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वन बाय वन आपको बताऊँगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पहले आपको क्या करना होगा, आपको इस साइड में आपका इस लिंक में आपको जाना होगा इस पेज में आने के लिए। तो ये इसका जो लिंक है मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डायरेक्टली इस पेज में आ सकते हैं। तो इसके इस पेज में आने के बाद आपको क्या करना होगा, नीचे जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे करंट अपॉर्चुनिटी जो की है, यहाँ पे बहुत सारे जो निकला हुआ है कि। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे वन बाई वन जो कि जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है मैं उसका वन बाई वन आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, फर्स्ट जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ ईट प्रोफेशनल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिक फॉर द बड़ौदा सून टेक्नोलॉजीज लिमिटेड a fully owned subsidiary of Bank of Baroda। तो दोस्तों, ये एक बैंक ऑफ बड़ौदा के टेक्नोलॉजी कंपनी जो कि है यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद अब मैं और भी जो कि रिक्रूटमेंट निकला है उसके बारे में आप लोगों को एक बार बोल देता हूँ। तो दोस्तों, सेकंड जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर फिनटेक एंड न्यू इंटीग्रेटिव डिपार्टमेंट। तो दोस्तों, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स के जो कि रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो अगर आप नहीं अप्लाई किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो रिसेंटली जो रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकला हुआ है वो है रिक्रूटमेंट ऑफ द प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑफ बड़ौदा टेक्नोलॉजी लिमिटेड फुली सब्सिडरी ए बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों, आपको अगर आप चाहते तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका जो डिटेल है मैं आपको साथ अभी शेयर करूँगा। तो ये है रिसेंटली जो रिक्रूटमेंट, तो इसके बारे में मैं बात करूँगा अभी। तो इसका बारे में इसका जो डिटेल्स है एडवर्टाइजमेंट के, इसका जॉब डिटेल्स है मैं अभी डाउनलोड कर लेता हूँ उसका पीडीएफ फाइल जो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मैं वन बाय वन आपका जो डिटेल्स शेयर करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे डाउनलोड जो कि हो गया है बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल जो इस रिक्रूटमेंट के लिए इसका जो पीडीएफ फाइल है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा हेड ऑफिस बड़ौदा रिक्रूटमेंट ऑफ ईट प्रोफेशनल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द बड़ौदा सून टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अ फुली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों, इसका पोस्ट आप लोग जान चुके हैं कि आईटी सेंटर एक्सेलेंस के यहाँ पे आपको जॉब करना होगा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जो कि डेट स्टार्ट हो गया है 27 सितंबर 2018, और इसका जो लास्ट डेट है 18 अक्टूबर 2018। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या पोस्ट निकला हुआ है। तो फर्स्ट पोस्ट जो कि यहाँ पे निकला हुआ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसका वैकेंसी है 1, मिनिमम और मैक्सिमम जो एज है यहाँ पे 40 to 50 ईयर्स के जो लोग हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ पोस्ट है टेक्नोलॉजी आर्टिस्टिक लीड, जो कि वैकेंसी है 1, इसका एज लिमिट है 30 to 45 ईयर्स। उसके बाद है प्रोग्राम मैनेजर, वैकेंसी 1, क्वालिटी एश्योरेंस लीड, बिजनेस एनालिस लीड, इंफ्रास्ट्रक्चर लीड जो कि इसका भी वैकेंसी है 1, बिजनेस एनालिस्ट इसका वैकेंसी है 5, अप्लाई कर सकते 25 to 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते। क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर जिसका वैकेंसी है 1, 25 to 35 ईयर्स तक आप लोग अप्लाई कर सकते। डाटाबेस आर्किटेक्ट जो कि वैकेंसी है 1, इसका भी जो कि एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 25 to 35 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते। तो दोस्तों, लास्ट जो पोस्ट है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप, तो जो लोग आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जो लोग बीटेक या जो कि इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है एप्लीकेशन मोबाइल से या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर चुके हैं, तो वो लोग अप्लाई कर सकते इस पोस्ट के लिए जो कि है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो दोस्तों, इसका भी जो कि एज है 25 to 35 तक आप अप्लाई कर सकते। तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि
फ़ीस क्या है इसके लिए आपको, जो कि एप्लीकेशन फ़ीस कितना देना होगा। तो जनरल ओबीसी वालों के लिए 600 रुपीज़ फॉर जनरल एंड ओबीसी वालों, फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जो फिजिकल हैंडीकैप है उसके लिए 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस जो कि है मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग और क्वालिफाइंग टेस्ट द सब्सक्वेंट राउंड फॉर पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन। दोस्तों यहाँ पे आपको एक शॉर्ट लिस्टेड होगा जिसका आपका क्वालिफिकेशन या मार्कशीट या मार्क्स के डिपेंड करके, उसके बाद आपको अगर क्वालिफाई करते हो आपके मार्क्स या आपका जो क्वालिफिकेशन है, उसके बाद आपको एक पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन होगा, वो दोनों में आपको क्वालिफाई होना चाहिए, उसके बाद आपको ये जॉब मिलेगा। तो दोस्तों उसके बाद कुछ और भी क्राइटेरिया है, अब मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको डिटेल्स में आपको बताऊँगा। तो सेकंड जो कि है, बैंक सब्सिडरी रिजर्व द राइट टू चेंज कैंसिल मॉडिफाई एड एनी ऑफ द वैकेंसी एनी ऑफ क्राइटेरिया मेथड सिलेक्शन एंड प्रोफेशनल एलोमेंट एक्सेट्रा। उसके बाद है द बैंक सब्सिडरी रिजर्व राइट टू कॉल फॉर टेस्ट इफ रिक्वायर GDPL कैंडिडेट इन रेटियो एंड इट्स रोल डिस्कशन। तो दोस्तों अगर आप ग्रुप डिस्कशन है पर्सनल इंटरव्यू पास हो गया, उसके बाद भी अगर कंपनी से अगर कोई टेस्ट वो लोग लेना चाहते हैं तो उसके भी एक टेस्ट आपको देना चाहिए, वो लोग अगर कोई टेस्ट लेता है तो आपको वो भी देना होगा। तो इस तरह से और कुछ भी क्राइटेरिया है यहाँ पे जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो थर्ड है, एडिक्वेट द कैंडिडेट एज डिसाइड द बाय द बैंक सब्सिडरी विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल suitability for the interview. Most suitable candidate will be called for the GD and PI and merely applying for the post does not entail the candidate to be eligible for the selection process. तो उसके बाद है द क्वालिफिकेशन मार्क्स इन टेस्ट इंटरव्यू विल बी डिसाइड बाय बैंक एंड सब्सिडरी। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को बोला गया है कि इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन यू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो दोस्तों अगर आप आपके पास क्वालिफिकेशन मार्क्स है, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्टेड में अगर आप चांस मिल सकते हो, अगर क्वालिफाई करते हो, उसके बाद आपको इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इस पोस्ट के या इस जॉब के पाने के लिए। तो इसके बाद हाउ टू अप्लाई, आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं आपको यहाँ पे दिया गया है। तो कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर। तो दोस्तों आपको यहाँ पे वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका जो लिंक दिया हुआ है ऑफिशियल लिंक bankofbaroda.co.in/careers, तो आपको इस पेज में जाके अप्लाई ऑनलाइन जो कि है आपको वहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों उसका जो लिंक है, मैं अप्लाई के लिंक है मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की रिसेंटली जो पोस्ट निकला हुआ है इस पोस्ट के लिए। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ कमेंट बिलो। आई विल Thank you.